हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक डिज़ाइनर लहंगा जिसे बनाना काफ़ी आसान है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरीके का लहंगा मैं उनके लिए प्रिपेयर करूँ। ऑल्दो ये दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, बट मैंने यहाँ पर काफ़ी बजट में इसे प्रिपेयर करने की कोशिश की है। सो आई रियली होप आपको पसंद है। विदेशन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें। सो हाँ, इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी 3 मीटर का फैब्रिक। तो यहाँ पर 3 मीटर का मैं येलो फैब्रिक सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी। इसे एक बार ही फोल्ड कर लूँगी। एक बार ही फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लूँगी। मैं यहाँ पर पेपर में ड्राफ्टिंग बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान होगा आपको समझने के लिए। एक साइड होगी खुली हुई एंड एक साइड होगी बंद। बंद साइड पे आपकी जितनी भी कमर है उसे आप डिवाइड कर ले 6.28 से। ध्यान दीजिए, आपकी जितनी भी कमर है आपको 6.28 से ही डिवाइड करना होगा। तो मेरे केस में हो जाएगा ये 5 इंच। हर तरफ कोने पे मैं 5 इंच लेके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फिर जितनी आपकी लंबाई है, जैसे मेरी लंबाई है 38 इंच, बेल्ट के लिए हम 2 इंच निकाल लेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो नीचे जो मैं एक फैब्रिक अटैच करूँगी 10 इंच का, तो उसे भी मैं निकाल लूँगी तो हो जाएगा 26 इंच। तो मैं हर तरफ 26 इंच इस तरीके से मार्क कर लूँगी एंड इन्हें भी मिला लूँगी। ऐसे ही ये दोनों मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके का मिलेगा। एक के ऊपर एक रखेंगे सीधा साइड अंदर की ओर एंड साइड सी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड सी लिया है। अब नीचे की ओर हमें एक कपड़ा लगाना होगा एंड ऊपर की ओर एक बेल्ट। बेल्ट के लिए मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है 4 इंच की एंड लंबाई जितनी हमारी कमर है उतनी। उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड ऊपर से इस तरीके से लगा लेंगे। जो खुला हुआ भाग है वो ऊपर की ओर आना चाहिए एंड सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने एक सिलाई दे दिया है। अब नीचे जो मैं पट्टी लगाऊंगी वो पिंक कलर की लगाऊंगी। 10-10 इंच की चौड़ाई की पट्टी हम कट कर लेंगे, काफ़ी सारी, जितना हमारा घेरा है ऑलमोस्ट उतना। कट करने के बाद हमें इसे उल्टा तरफ रखना होगा इस तरीके से हमारे स्कर्ट के ऊपर एंड किनारे से सिलाई दे देनी होगी। फिर जब हम इससे पलटेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ सिलाई देने के बाद मैं इसे पलट लूँगी एंड यहाँ पर हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान था बनाना एंड ऑब्वियसली अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए उनके लहंगे में नीचे काफ़ी अच्छी हैवी एम्ब्रॉयडरी दी गई थी, बट यहाँ पर जिसके बजटेड लहंगा है तो मैं लेस लगा लूँगी। इस तरह की अगर आपको चाहिए तो लेस लगा लें, या अगर आपको और ब्रॉड लेस चाहिए तो आप ब्रॉड लेस भी लगा सकते हैं। सो गाइज, इसी तरीके से हमारे ये लहंगा तैयार हो चुका होगा। मैंने यहाँ पर पतली लेस लगाया है 2 लेयर की, बिकॉज मुझे हैवी लेस नहीं लगाना था। आप चाहें तो मिरर की भी लेस लगा सकते हैं। बेल्ट के पास जब आप बेल्ट की सिलाई करेंगे तो बाजू में 2 लूप मिलेंगे, उसके थ्रू आप डोरी या इलास्टिक पास कर सकते हैं। ये लहंगा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी था इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आप अपनी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।